आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों फिज़िकल क्वांटिटीज़ यूनिट्स एंड डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। चलिए इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। भौतिक राशियाँ, मात्रक, इकाई एवं विभिन्न मापक यंत्र। इससे पहले हमने ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ यूनिट्स एंड डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक वीडियोज़ अपलोड की है, ये समझ सकते हैं कि उसका दूसरा पार्ट है, पार्ट टू है। इसमें हम लोग वैसे क्वेश्चन को कवर किए हैं, वैसे क्वेश्चन को हमें देखने को मिलेगा इसमें, जो क्वेश्चंस विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में भी वो पूछे जाएं। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। ये प्रश्न दोस्तों जनरल साइंस है, यूज़फुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यानी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में, सभी प्रतियोगिता परीक्षा में ये जनरल साइंस काफ़ी लाभप्रद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट आर नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रेशर डाइन, यानी दाब का डाइन। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल यूनिट इज यूज टू मेजर। डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है वह है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की तीव्रता। हालांकि आप देख सकते हैं ये प्रश्न उत्तराखंड लोअर प्री 2011 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुके हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो इसी को हमने एक टॉपिक लेकर अपलोडेड कर रहा हूँ ये वीडियो, कि हो सकता है कि आने वाले कई एग्ज़ामों में ऐसे क्वेश्चंस साइंस से रिलेटेड हमें देखने को मिले, तो हो सकता है कि ये सारे क्वेश्चंस भी उसमें पूछे जाए। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट डेसिबल इज यूज टू मेजर। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साउंड इन एटमॉस्फेयर, यानी वातावरण में ध्वनि। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं एमपीपीएससी प्री जीएस 2003 और 2004, यानी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 2003 में और 2004 में रिपीटेड हो चुके हैं क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। हो सकता है आने वाले रेलवे, एसएससी, बैंक, कई एग्ज़ामों में ये पूछे जाए। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल इज, डेसिबल है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अ मेजरमेंट ऑफ साउंड लेवल, ऑप्शन सी है ये, यानी ध्वनि स्तर की एक माप है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पारसेक, यानी यूनिट ऑफ टाइम, पारसेक समय की इकाई, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और फ्रेंड्स जो इसमें ये दिया हुआ है ऑप्शन ए लाइट ईयर, यूनिट ऑफ डिस्टेंस यानी प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की है, ये बिल्कुल सही जवाब है। डेसिबल, डेसिबल का संबंध ध्वनि की तीव्रता से है, ये भी सही जवाब है। और हर्ट्स, हर्ट्स आवृत्ति की इकाई है, बिल्कुल सही जवाब है। तो देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन यूपीपीएससी एसीएफ प्री 2017 में पूछे जा चुके हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगावाट इज यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिसिटी विच इज। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रोड्यूस्ड, यानी उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉब्सन यूनिट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, यानी ओजोन परत की मोटाई मापने में। ये प्रश्न हमें देखने को मिलता है फ्रेंड्स कि कभी कभी
प्रश्न हमसे ये भी पूछ देता है कि ओजोन परत की मोटाई मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो डॉप्सन इकाई। या डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसको मेज़र करने में या मापने में किया जाता है, तो ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रिक्टर स्केल ह्यूमिडिटी, यानी रिक्टर पैमाना आर्द्रता। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक, यानी क्यूसेक से क्या मापा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जल का बहाव, यानी फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ वाटर इज मेजर्ड बाय क्यूसेक, याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वाट। फ्रेंड्स ये भी याद कर लीजिएगा कि ऊष्मा की इकाई कैलोरी, किलो कैलोरी और किलो जूल है, वाट ऊष्मा की इकाई नहीं है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी वाट देयर इज वन हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर यानी एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 746 वाट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल रिलेटेड टू एनर्जी लाइक डेट पास्कल रिलेटेड टू, जूल संबंधित है ऊर्जा से उसी तरह से पास्कल संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रेशर यानी दबाव, पास्कल का संबंध प्रेशर दबाव से है। तो देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सेल्सियस, यूनिट ऑफ हीट यानी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एनीमोमीटर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हाइग्रोमीटर, देख सकते हैं ऑप्शन बी में लिखा है हाइग्रोमीटर। वैसे फ्रेंड्स लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता को मापने में किया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज नोन एज पायरोमीटर। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रेडिएशन थर्मोमीटर यानी विकिरण ताप मापी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ ओशियन, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र महासागरों की गहराई नापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फैदोमीटर यानी फैदोमीटर। फ्रेंड्स कभी कभी हमसे प्रश्न में ये भी पूछ देता है कि समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है, तो भी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फैदोमीटर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइर हेलियोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, पाइर हेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सोलर रेडिएशन यानी सोलर रेडिएशन को मापने में पाइर हेलियोमीटर का उपयोग किया जाता है।
चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पायरोमीटर इज़ यूज टू मेज़र, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तापक्रम नापने में, यानी टेम्परेचर। तो देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाई, यानी सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नेविगेटर्स, यानी नौ संचालकों द्वारा। फ्रेंड्स कभी कभी हमसे सोनार की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो उसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है। चलते हैं देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स इन एन ओशियन, महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सोनार। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिक्विड और लिक्विड्स यूज्ड इन सिंपल बैरोमीटर इज और आर, साधारण बैरोमीटर में कौन सा या से द्रव प्रयोग होता है या होते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मर्क्यूरी, यानी पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सडनली ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी लेवल इन बैरोमीटर इंडिकेट्स, बैरोमीटर में पारे की तल की अचानक गिरावट सूचक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्टॉर्म, यानी तूफान का। चलते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन, यानी द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं उपरोक्त सभी, यानी रिस्ट वॉचेस, डिस्प्ले बोर्ड्स, पॉकेट कैलकुलेटर यानी कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में और पॉकेट कैलकुलेटर में द्रव क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। ऑक्सेनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वृद्धि दर नापने में, यानी ग्रोथ। फ्रेंड्स हमने आप लोगों के लिए वो सब क्वेश्चंस को कवर किया है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप डेली एक टाइम बना लीजिए कि हाँ इस टाइम में हमें ये वीडियोस देखना है, जिससे क्या होगा दोस्तों आप डे बाय डे आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव होती रहेगी और कुछ न्यू क्वेश्चंस भी कवर करने को मिलेंगे और देखने को मिलेंगे। हालांकि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, जिसमें आप लोग डेली फ्री में ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट दे सकते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है, ये बिल्कुल फ्री है। फ्रेंड्स आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर डेली ये टेस्ट दे सकते हैं और स्टूडेंट्स में अपनी रैंकिंग देख सकते हैं कि हाँ कितने स्टूडेंट्स के बीच में आपका स्कोर या आपकी रैंक कितनी है। तो देखिए हमारे पहले स्टूडेंट का नाम है अनूप कुमार, जिन्होंने 82% स्कोर किया है। सेकंड एपी सिंह 92% स्कोर। थर्ड खुशबू कुमारी 46%। फोर्थ लकी 84%। फिफ्थ नेहा सिंह 56%। प्रीति यादव 96%। प्रियंका यादव 86%। समर 34%। साकिब 94% एंड सूरज कुमार सिंह 70%। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के ही नाम कवर किए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन होना, तो आप भी ज्वाइन हो सकते हैं हमारे इस ग्रुप में। मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक और मैसेज कर दिया है, वो नंबर भी दे दिया है, आप उस नंबर पे मैसेज करके हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।